आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? स्टार्ट करें क्लास? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। ओके चलो, आज क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, ठीक है? इसे हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्ट, ठीक है? प्रोटोजोआ पढ़ने वाले आज हम, इसे बोलेंगे हम यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्ट, है ना? प्रोटिस्टा में आता है ये, ठीक है? अब सबसे पहली चीज किसने डिस्कवर किया? अच्छा, किसने स्टडी किया सबसे पहले? लिविन हॉक ने, ठीक है? लिविन हॉक ने सबसे पहले हमारा प्रोटोजोआ को स्टडी किया था, ठीक है? उसके बाद प्रोटोजोआ जो नाम है वो किसने दिया? गोल्डफर्स ने दिया, ठीक है? इस पे तो डायरेक्टली डायरेक्टली एमसीक्यूज आते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद है हमारा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रोटोजोआ, है ना? उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोजुअलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजुअलॉजी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। ओके। हमारे प्रोटोजोआ को सबसे पहले स्टडी किया था ल्यून हॉक ने, ठीक है? एंटोन वैन ल्यून हॉक, पता है आप लोगों को? उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था, ठीक है? द नेम प्रोटोजोआ वॉज कॉइन्ड बाय गोल्ड फर्स, ठीक है? गोल्ड फर्स ने सबसे पहले प्रोटोजोआ का नाम कॉइन किया था। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद प्रोटोजोआंस आर कॉल्ड एज प्रोटोजुअलॉजी, ठीक है? द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजुअलॉजी। क्लियर है? हमारे प्रोटोजोआ में आएंगे हमारा पैरामेशियम, फिर अमीबा, यूग्लिना, ये सारे हमारे प्रोटोजोआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे हमारे प्रोटोजोआ के? माइक्रोस्कोपिक दिया है, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक है, कुछ नहीं अटक रहा बेटा। जानवी, आपका नेट चेक करो। यूनिसेल्यूलर रहेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? हमारे जो प्रोटोजोआ है माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कौन बताएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर लेवल पता है, जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? टिश्यू लेवल पता है, जो टिश्यू से बना हुआ होता है। हमें ऑर्गन लेवल पता है, ऑर्गन सिस्टम पता है। ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन बताएगा? बताओ। हाँ बेटा, सिंगल सेल्यूलर तो होते ही है, लेकिन उसे हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी रीजन से बोला है। उनके सिंगल सेल में ही नहीं क्या बेटा, हर चीज हो जाती है, ठीक है? उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें उनके सिंगल सेल में, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। इसीलिए हमने उसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला है। वहीं पे उनके वैक्यूल्स होते हैं, वहीं से वो फूड इनगल्फ करते हैं, फूड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करते हैं, और वेस्ट जो है वो बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ये सारी चीजें उनके सेल के अंदर होती है, इसीलिए हमने उसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा है। उसके बाद है हमारा इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट क्या होगा? यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है इंसिस्टमेंट,
इंसिस्टमेंट क्या होता है बेटा, कि एक अनफेवरेबल कंडीशन में हमारा जो प्रोटोजोन होते हैं वो एक आउटर कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, एक आउटर कवरिंग फॉर्म कर लेंगे हमारे, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर रहेगा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे। उसके बाद है सम एग्जिस्ट एज पैरासाइट। पैरासाइट आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करता है और दूसरों को हार्म भी करता है ना, और इन अ कमेंसल रिलेशनशिप। अब कमेंसल का क्या मतलब है, कमेंसल, कमेंसलिज्म, बेटा सम हमारे जो प्रोटोजोन्स है आइदर पैरासिटिक इन नेचर होते हैं या फिर कमेंसल इन नेचर होते हैं। हाँ शांतनु, दिख गया मुझे आपका मैसेज, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं या फिर कमेंसल होते हैं नेचर में, ठीक है। पैरासिटिक यानी क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। हाँ करती हूँ मैं, रिपीट करवाती हूँ, पूरी स्लाइड रिपीट करवाती हूँ, ठीक है। जो पैरासिटिक नेचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो प्रोटोजोन्स है, ठीक है, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए और उनको हार्म भी करते हैं, ठीक है। ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप को हम पैरासिटिक रिलेशनशिप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा कमेंसल रिलेशनशिप। कमेंसल रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अदर पे डिपेंड होता है बट डू नॉट हार्म, ठीक है, डू नॉट हार्म, वो उसे हार्म नहीं करता है। क्लियर है, वो उसे हार्म नहीं करता है। उसके बाद जो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कल भी हुआ था हमारा, यानी कि उनके मूवमेंट है ना जिससे वो मूव करेंगे। हाँ बेटा मैं रिपीट करवाती हूँ, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है हमारे, इधर सूडोपोडिया है जो कि हमें अमीबा में देखने मिलता है, ठीक है, दूसरा सीलिया प्रेजेंट रहेंगे पैरामेशियम में और एक फ्लाजिला प्रेजेंट रहता है यूग्लिना में। ठीक है, देखो प्रोटोजोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली चीज है कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, में ट्रू न्यूक्लियस देखने मिलता है हमें, ठीक है। दे एग्जिबिट्स प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके एक सिंगल सेल्ड होते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म में ही उनके सारा जितना जरूरत की चीजें होती है वो वहीं होती है, लाइक फॉर ईटिंग है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें उनके एक सेल के अंदर होती है, इसलिए हम उसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। दूसरी चीज है इनसिस्टमेंट। इनसिस्टमेंट यानी क्या होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में एक आउटर कवरिंग फॉर्म करेंगे अपने अराउंड, ठीक है, ताकि वो अंदर में जिंदा रह सके, यहीं पे वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनसिस्टमेंट, ठीक है, जनरली ऑकर्स टू हेल्प इन डिस्पर्सल, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये लेयर टूट जाती है और यहाँ के हमारे जो अंदर के ऑर्गेनिज्म से वो बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं। सम एग्जिस्ट एज अ पैरासाइट है ना, कुछ पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइट यानी कि वो दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड भी रहेंगे और दूसरों को हार्म भी करेंगे, जिससे वो खाना लेंगे उसे हार्म भी करेंगे, तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलेंगे पैरासिटिक रिलेशनशिप, या फिर कमेंसल भी हो सकते हैं, यानी दूसरों पे फूड के लिए डिपेंड तो है लेकिन उनको तकलीफ भी नहीं दे रहे हैं, शांति से खा रहे हैं उनका खाना, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है लोकोमोटरी ऑर्गन्स है ना, यानी जिस चीज से वो मूव होंगे, ठीक है, मूव किस चीज से होंगे, सूडोपोडिया से, जैसे कि हमारा अमीबा, अमीबा में सूडोपोडिया देखने मिलेगा आपको। उसके बाद है सीलिया जो कि पैरामेशियम में देखने मिलेगा, एंड देन देयर इज अ फ्लाजेला जो कि यूग्लिना में देखने मिलता है हमें। अब क्लियर है, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन आगे के, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा उनमें, रिप्रोडक्शन होगा इधर सेक्सुअल,
और असेक्सुअल। ठीक है, हम पूरे प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन किस चीज से होगा, कौन से ऑर्गेनल से होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होगा। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विद इन द बॉडी। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। ना ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होगा, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखेंगे वो अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। किससे होगा वो ऑस्मो रेगुलेशन, कौन करवाएगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करवाएंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो हमारे फ्री लिविंग पैरासाइट्स में मिलेंगे। ठीक है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स में मिलेंगे, पैरासाइट्स में नहीं मिलेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या? ओके, उसके बाद न्यूट्रिशन है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन से रहेंगे, ऑटोट्रॉफिक रहेंगे वो। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना वो खुद बनाएंगे। ठीक है, सैप्रोफिटिक रह सकते हैं। सैप्रोफिटिक यानी क्या होगा बताओ, सैप्रोफिटिक यानी क्या होगा, सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे वो फीड करेंगे। ठीक है, डेड एंड डिके मटेरियल पे जो फीड करते हैं उन्हें हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। उसके बाद है सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक यानी क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल फूड या फिर सॉल्ट जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग से ही फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, By absorption of dissolved salts and simple organic nutrients. From surrounding medium. ओके, फिर हमारे प्रोटोजोन के एग्जांपल्स देखेंगे हम। प्रोटोजोन के एग्जांपल्स क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, मोनोसिस्टिस, पैरामेशियम जैसे हम स्लीपर एनिमेक्यूल्स बोलते हैं, एकदम स्लीपर जैसे रहते हैं वो। उसके बाद यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमानिया। ठीक है,
क्लियर है या मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं? आप कमेंट नहीं कर रहे हो। क्लियर और नॉट, यस करके लिखो प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके ग्रेट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड आई है अपनी। ठीक है, ट्रिपानोजोमा गैम्बियंसी, ये नाम तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा अभी तो फिलहाल, ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ग्रुप कौन सा है? मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा ग्रुप के एनिमल्स है ये, सॉरी प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये क्या कॉज करेंगे? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेंगे, उसी को ऑल्सो नोन एज गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, गैम्बियन जो है, गैम्बिया जो है वो अफ्रीकन का ही एक, वेस्ट अफ्रीका का ही एक कंट्री का नाम है। ठीक है, हमारे ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंसिस जो मास्टिगोफोरा ग्रुप के एनिमल प्रोटोजोअन है, ठीक है, वो क्या करेंगे? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेंगे, या फिर उसे ही हम बोलेंगे गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं ना, इस वजह से एक पर्सन जो है वो टायर्ड फील करता है और वो हमेशा सोते रहता है। अपने क्लास के बच्चों को भी है लगता है ये, है ना, सोते ही रहते हैं। किसी किसी की तो फोटो भी आई है सोते हुए। Hence, person keeps on sleeping, ठीक है? ये जो हमारे प्रोटोजोअन है, ये हमारे जो प्रोटोजोअन है वो क्या करते हैं? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में एंटर करते हैं और एक मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार नीट में पूछा जाता है, इनफैक्ट मैंने जब दिया था तभी भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, किससे ट्रांसमिट होगा? ट्रांसमिटेड बाय सी सी फ्लाई। यही मैंने कट कर दिया इसे। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय सी सी फ्लाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके हम ग्लॉसी ग्लॉसिना पैल्पालिस बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम ग्लॉसिना पैल्पालिस भी बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्लाइड पे से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ब्लड सकिंग फ्लाई ऑल्सो नोन एज सी सी फ्लाई एंड ग्लॉसिना पैल्पालिस। बस बस हो गया, बातें चालू हो गई तुम्हारी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड। क्लियर है? क्लियर होगा तो यस करो, नहीं तो फिर अपन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट करो। ठीक है, ट्रिपानोजोमा गैम्बियंसी क्या है? हमारा एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, ट्रिपानोजोमा गैम्बियंसी अपना एक प्रोटोजोअन है जो कि मैस्टिगोफोरा ग्रुप के हमारे प्रोटोजोअन है। ठीक है, इसका ग्रुप जो है मैस्टिगोफोरा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कॉज करते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, इसे ही हम गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, इसके वजह से हमारे जो पर्सन है वो टायर्ड फील करते हैं और हमेशा सोते रहते हैं। हाँ, नेहा और वैष्णवी दोनों के फोटोज है मेरे पास। ठीक है, हमारे जो ट्रिपैनोसोमा है वो क्या करेंगे? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में एंटर करेंगे और उसके बाद एक पर्सन में मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद ट्रांसमिट किससे होते हैं? ये सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, वी आई क्यू लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड बाई ब्लड सकिंग फ्लाई ऑल्सो नोन एज सी सी फ्लाई। ब्लड सकिंग फ्लाई ऑल्सो नोन एज सी सी फ्लाई। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है ग्लॉसिना पैल्पालिस। क्लियर है? अच्छा, कल के एमसीक्यूज रह गए अपने, ग्रुप पे भेजती हूँ मैं आप लोगों को, आप सॉल्व करना। चल, उसके बाद ट्रिपानोजोमा क्रूजी। ठीक है,
ट्रिपैनोसोमा क्रूजी कॉजेस साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस. राइट, दिस कॉजेस साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस. लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है, दिस इज द प्रोटोजोअन. दिस कॉजेस काला आजार विच इज ऑल्सो नोन एज दमदम फीवर, विच इज नोन एज दमदम फीवर. ओके, इट अफेक्ट्स ऑल विसरल ऑर्गन्स, अपने सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं विसरल लेशमानियासिस. ठीक है, काला आजार इज ऑल्सो नोन एज विसरल लेशमानियासिस. ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई फ्लीबोटोमास अर्जेंटिपीस. ओके, फ्लीबोटोमास अर्जेंटिपीस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. काला आजार इज ऑल्सो नोन एज दमदम फीवर. इट अफेक्ट्स ऑल विसरल ऑर्गन्स एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज विसरल लेशमानियासिस. ओके, इट इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लीबोटोमास अर्जेंटिपीस. क्लियर, ये सब क्या बता रही हूँ, ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है धनंजय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बाद एक है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कौन है हमारा, जियार्डिया इंटेस्टिनालिसिस. ठीक है, विच कॉजेस जियार्डियासिस, दिस इज अ डिसीज. ठीक है, हाँ नाम बहुत सही है. ये है फीको ओरल डिसीज, है ना, ये कब होता है, जब आप खाना बराबर से पकाकर नहीं खाते हो या फिर ऐसा वाटर यूज करते हो जो कंटामिनेट हो चुका है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से, है ना, फीकल मैटर से, इस वजह से आपको जियार्डियासिस हो सकता है. प्रतीक, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. ओके, क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, वाई वाई लिखो, फटाफट लिखो. ओके, उसके बाद है ट्राइकोनिम्फा. ठीक है, ट्राइकोनिम्फा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ट्राइकोनिम्फा क्या करेगा हमारा, इट इज अ ज़ू फ्लैजेलेट. ओके, इट इज अ ज़ू फ्लैजेलेट, इट इज अ ज़ू फ्लैजेलेट. मेरा पेन कहीं और जा रहा है. इट इज अ ज़ू फ्लैजेलेट सिम्बायंट इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स. ठीक है, कहां देखने मिलेगा, टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में देखने मिलेगा. ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, टर्माइट्स में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, और किस एंजाइम से, उनमें कौन सा एंजाइम रहता है, ट्राइकोनिम्फा में बीटा ग्लूकोसाइडेज रहता है. ठीक है, जो कि सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. कौन सा रिपीट करना बेटा, पिछले वाली स्लाइड या अभी वाली, रिबेलियस गर्ल बोलिए. हाँ, वेस्ट मटेरियल, फीकल मीन वेस्ट मटेरियल. ग्रेट, ओके, एक सेकेंड. ठीक है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो है ये क्या है हमारे, साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ये एक आपको याद रखना है. उसके बाद आपको क्या याद रखना है, लेशमानिया डोनोवानी जो है, इट कॉजेस काला आजार एंड दमदम फीवर. इट कॉजेस काला आजार एंड दमदम फीवर. इट अफेक्ट्स ऑल विसरल ऑर्गन एंड हेंस दिस डिसीज इज ऑल्सो नोन एज विसरल लेशमानियासिस. विसरल लेशमानियासिस, ओके, इट इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लीबोटोमास अर्जेंटिपीस. क्लियर, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लीबोटोमास अर्जेंटिपीस. Then there is another disease, grand old man of intestine, Giardia intestinalis. Okay, जो क्या कॉज करता है, जियार्डियासिस कॉज करता है. जियार्डियासिस कैसे होगा आपको, इट इज अ फीको ओरल डिसीज. फर्स्ट ऑफ ऑल फीको ओरल डिसीज, है ना, इधर इफ यू डोंट ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड देन इट कैन कॉज, या फिर जो है हमारे
वाटर से, ऐसे वाटर अगर आप कंज्यूम करते हो जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से कंटामिनेट हुई है ना, ऐसे वाटर का अगर आप यूज करते हो तो आपको ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। इतना क्लियर है? कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में देख लेना। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा, इट इज अ जू फ्लाजेलेट। ओके, इट इज अ जू फ्लाजेलेट। सिम्बायोंट एंड इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स जो वुड पे लगे होते हैं वो टर्माइट्स होते हैं, उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ट्राइकोनिम्फा। वो क्या काम करते हैं? डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, है ना, उनमें क्या होता है, उनमें बीटा ग्लूकोसाइडस प्रेजेंट होती है एंजाइम, जो कि सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। टर्माइट्स को हार्ड होता है उनका फूड डाइजेस्ट करना, इसीलिए ट्राइकोनिम्फा उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चकलस बाद में, अभी पढ़ाई। उसके बाद है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, क्या कराएंगे ये हमारे इंटेस्टाइन को रेड करवाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन को ऐसे रेडिश करवा देते हैं, और जो इंटेस्टाइन है उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि जब आप स्टूल या फिर फीकल मैटर आप एक्सक्रीट करते हो तब उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, उसके बाद है एंटमीबा जिंजिवालिस। ओके, एंटमीबा जिंजिवालिस, ये एक ह्यूमन के माउथ का पैरासाइट है। ठीक है, ह्यूमन माउथ का पैरासाइट है। अच्छा ठीक है, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका में अगर इंटेस्टाइन में होल हो गए, ठीक है, तो जो हमारा पैरासाइट है, ये जो हमारा पैरासाइट है, ये जो हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, वो क्या करेगा, वो हमारे लीवर में चले जाएगा बाई ब्लड। ठीक है, लीवर में चले जाएगा बाई ब्लड, जिसे हम बोलेंगे, और क्या कॉज करेगा वो, लीवर एब्सेसिस। लीवर एब्सेसिस कॉज करेगा। ठीक है, लीवर एब्सेसिस कॉज करेगा। ठीक है, एंटमीबा जिंजिवालिस क्या है हमारा, इट इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन माउथ। ओके, अच्छा ये एब्सेसिस यानी क्या होता है बेटा, कौन बताएगा, आयुष बताओ, आयुष बायोलॉजी ब्रेकर, लैंग्वेज प्लीज। एब्सेस इन द सेंस पस, पस जिसे हम बोलते हैं ना, पस जो होता है। ठीक है, हमारा जो एंटमीबा जिंजिवालिस है वो हमारे गम्स यानी माउथ में, हमारे जो गम्स होते हैं वहां के पस पॉकेट्स में देखने मिलते हैं हमें। ठीक है, जो कि पायरिया, पायरिया रहता है ना, पायरिया ब्लीडिंग गम्स होते हैं वहां पे, हमें उसके पस पॉकेट्स में हमें एंटमीबा जिंजिवालिस देखने मिलता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, हाँ पहचान बाद में कर लेना, अभी क्लास करो, तो फालतू के कमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, इट फीड्स ऑन WBCs, बैक्टीरियाज एंड पस सेल्स। ओके, जो हमारा एंटेमीबा है हमारे माउथ के, ह्यूमन माउथ के WBCs, बैक्टीरियाज एंड पस सेल्स पे फीड करते हैं। कैसे होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट, लाइक किसिंग, है ना, इसके वजह से हमें एंटेमीबा जिंजिवालिस हमारे हमारे माउथ में चले जा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ समथिंग, प्लीज मेक श्योर कि ही और शी इज नॉट इन्फेक्टेड। क्लियर इतना? ओके, क्या वाई वाई लिखो प्लीज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ग्रेट, चलो टॉपिक पे आते हैं वापस, अपने एमसीक्यूज वाला पॉइंट खत्म हो गया, टॉपिक पे आते हैं। हमारे प्रोटोजोअन्स को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है, कि उनमें अमीबा प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या अमीबा, सॉरी, उनको उनमें फ्लाजिला प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है ना, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे हमने जनरली उन्हें क्लासिफाई किया होता है। ठीक है, अब अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है, यानी कि एग्जाम्पल तो उसका अमीबा ही है, ठीक है, एक अमीबा है,
एक एंट अमीबा है, अभी हमने पढ़े एंट अमीबा, ठीक है, ये सारे जो है हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है। इसमें क्या रहेगा, सूडोपोडिया प्रेजेंट रहेगा लोकोमोशन के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जो मराइन अमीबॉइड्स रहते हैं उनमें सिलिका शेल्स भी देखने मिलते हैं। ये एक डायरेक्टली एमसीक्यू आता है ये, कि हमें मराइन सिलिका शेल्स किस में देखने मिलते हैं, मराइन अमीबॉइड्स में, ओके। सम ऑफ द अमीबॉइड्स आर पैरासाइट्स, जैसे कि हमारा एंट अमीबा है ना, एंट अमीबा जो है हमारा पैरासाइट है। हाँ, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आते हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजी ब्रेकर। हाँ तो आपको पता है ये सारे, सबको हुआ है ये, आपने पढ़ा है तो। चलो फिर से पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, हमारे फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, फ्लाजिला यूज करेंगे लोकोमोशन के लिए, ठीक है। ये भी फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ट्रिपानोजोमा, है ना, जो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, के बाद हमारे सीलिएटेड प्रोटोजोअन, सीलिया प्रेजेंट होता है ओवरऑल बॉडी, लाइक एग्जांपल हमारा पैरामेशियम, ये सबको ही पता है, पैरामेशियम सबका फेवरेट ही है शायद, ठीक है। उसके बाद है सीलिया यूज करते हैं वो लोकोमोशन के लिए, ठीक है। इनके पास एक कैविटी होती है जो कि आउटसाइड की तरफ ओपन ओपन होती है, ठीक है, इधर माउथ के माउथ कैविटी जिसे बोलेंगे हम। ठीक है, स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स क्या आएंगे, इनके पास हमारा स्पोर लाइक स्टेज होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। स्पोर लाइक स्टेज होता है इनके लाइफ साइकिल में, जो कि बहुत इन्फेक्शियस होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम है जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, ये मलेरिया कॉज करता है। अच्छा, मलेरिया कॉज करता है, आपका आज का क्वेश्चन ये है कि मलेरिया किससे कॉज होता है, ठीक है, मॉस्किटो से होता है ना, मॉस्किटो से होता है, पर कौन सा मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो से कॉज होता है मलेरिया, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका एक और क्वेश्चन आज का, इतना क्लियर है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, पहली बार, आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम अमीबा के बारे में, ओके। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रूजल वॉन रोजेनहॉफ, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रूजल वॉन रोजेनहॉफ, कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सूडोपोडिया यूज करते हैं लोकोमोशन में, और सूडोपोडिया का टाइप कौन सा है, यहाँ पे लोबोपोडिया, ठीक है, लोबोपोडिया अमीबा जो है वो लोबोपोडिया यूज करेंगे, ठीक है, सूडोपोडिया का टाइप है ये। जो लोबोपोडिया होता है वो हमारा फेयरली लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ट्यूबुलर होता है एंड विथ राउंडेड टिप्स, दिस वन इज लोबोपोडिया, ठीक है, ये जो है ये हमारे लोबोपोडिया होते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ये हमने प्रोटोजोअन्स में ही पढ़ा, ठीक है, कि सब में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हो गए। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, है ना, दो टाइप के साइटोप्लाज्म होंगे इनमें, एक एंडोप्लाज्म होगा और एक एक्टो,
एक्टोप्लाज्म जो है वो हमारा आउटर साइड का, ये जो है ये पोर्शन है ये एक्टोप्लाज्म होगा, और अंदर में जो है वो एंडोप्लाज्म होगा। अच्छा बायोलॉजी, आयुष आपने ये पढ़ा है ना, तो मुझे बताओ ये सोलजेल थियरी क्या होती है? सोलजेल थियरी, पढ़ा है ना? आयुष कहाँ है? सोलजेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलजेल थ्योरी में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो अमीबा है वो मूवमेंट के लिए जब उसे मूव करना होता है, हाँ कमेंट्स लेट आ रहे हैं पता है मुझे, ठीक है। जो हमारे सोलजेल थियरी होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट करता है अमीबा, मूवमेंट के लिए वो पहले सॉलिड हो जा आई मीन लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है, लिक्विड लाइक हो जाते हैं, लिक्विड लाइक, फिर बाद में वो वापस से सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये सोलजेल थियरी, ठीक है, मूवमेंट के लिए काम हो जाएगा, यानी सॉलिड लिक्विड मीन्स एग्जैक्टली वैसा नहीं, जैसे इट इज अ कंसेप्चुअल थिंग, ओके। सोलजिल थियरी में क्या होगा हमारा, अच्छा ठीक, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय हाइमैन, ये दिया नहीं है बेटा, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपके स्लाइड में नहीं दिया गया है। इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय हाइमैन, ओके, एंड सपोर्टेड बाय पैंटिन एंड मास्ट। हाँ रिपीट कर रही हूँ, शांतनु करती हूँ। ठीक है, हमारे जो अमीबा है उसे सबसे पहले डिस्कवर किया था रूजल वॉन रोजनहॉफ ने, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया। हमारे जो अमीबा है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए, सूडोपोडिया का भी एक टाइप है, उसमें है वो लोबोपोडिया, ठीक है, इस टाइप से वो लोकोमोशन करते हैं। लोबोपोडिया जो है हमारा लार्ज होता है, ठीक है, ट्यूबुलर होता है और राउंडेड टिप्स होते हैं उसमें, ठीक है, राउंडेड टिप्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ताकि ऑस्मोरेगुलेशन हो पाए। अच्छा इसका भी एक फैक्ट है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा नेक्स्ट की, सॉल्ट वाटर में हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों डिसअपियर हो जाते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में सॉल्ट वाटर में क्यों डिसअपियर हो जाते हैं? डिसअपियर इन सॉल्ट वाटर, Why? ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सोलजेल थियोरी है ना, हमारे अमीबा मूवमेंट के लिए सोलजेल थियोरी हमें दी गई थी, अमीबा के मूवमेंट के लिए सोलजेल थियोरी दी गई थी। किसने दी थी? हाइमैन ने दी थी, ठीक है, हाइमैन ने दी थी। उन्हें सपोर्ट किसने किया था? पैंटिन और मास्ट ने सपोर्ट किया था, सपोर्टेड बाई पैंटिन एंड मास्ट, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी अमीबॉइड मूवमेंट इज ड्यू टू चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस थियरी के हिसाब से हमारा अमीबा कैसे मूव करता है? साइटोप्लाज्म के विस्कोसिटी में चेंज आने के वजह से। विस्कोसिटी पता है ना आपको? पता ही होगी, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो। ओके ग्रेट, ये लिख लिया आपने, बिकॉज ये नोट्स में नहीं है बेटा, आपके पीपीटी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारा
प्लाज्मा लेमा है ना। प्लाज्मा लेमा क्या है, ये जो आउटर थिन मेम्ब्रेन है या आउटर जो थिन मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा बोलेंगे। उसके बाद दे हैव नो सेल वॉल, हमारे अमीबा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना एनिमल किंगडम का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। न्यूक्लियस जो है वो सिंगल रहेंगे, कॉन्स्पिशियस रहेंगे, फ्लैटेंड रहेंगे और थोड़े बहुत बाइकॉनकेव रहेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत बाइकॉनकेव रहेंगे, ठीक है। कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होगा बेटा, कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस है हमारे अमीबा का न्यूक्लियस है सिंपल होता है, कॉन्स्पिशियस होता है, फ्लैटेंड होता है और थोड़ा बहुत बाइकॉनकेव होता है। तो आप बताओ मुझे क्या होगा कॉन्स्पिशियस यानी, अगेन वन मोर क्वेश्चन, आप लिख के बता देना मुझे लिख के कॉन्स्पिशियस का मतलब। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता, अपन ने कल के क्लास में ही देखे थे कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, तो खाना इंजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और बाद में एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन जो होता है फैगोसाइटोसिस से होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, एनगल्फिंग, ठीक है, एनगल्फ करना, निगल जाना है ना, निगल जाना। एनगल्फ करना, निगल जाना, ओके। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन डिफ्यूजन की वजह से होगा, ठीक है, डिफ्यूजन होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा। एक और क्वेश्चन पूछो आपसे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कौन है बता देना मुझे, इसका आंसर दे देना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या, मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे किसी के, हाँ बेटा मुझे किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अरे वाह, वेदांत तारक ने बढ़िया एंट्री मारी है। अच्छा एक और चीज है, हाँ एक और चीज है हमारी, एक और क्वेश्चन है, अमीबा को इमोर्टल बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स, और अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। बोल बता देना, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं चैप्टर एंड होने के बाद, आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मुझे चाहिए वो बुक में अच्छे से लिखे हुए, हाँ उसके बाद अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल है ना, बाइनरी फिजन से होता है या फिर मल्टीपल फिजन से होता है। बाइनरी फिजन यानी हमारा एक अमीबा है उससे हमारे दो अमीबा बन रहे हैं, हाँ हाँ श्याम सही है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको फिर भी लिख के दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एंसिस्टमेंट मैंने क्या बताया था आपको, आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं वो,
अनफेवरेबल कंडीशन में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं, ये इस तरह से एनसिस्टमेंट फॉर्म कर लेते हैं, ये सिस्ट सिस्ट है पूरा एंटायर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही सिस्ट ब्रेक हो जाता है, डॉटर सेल बाहर आ जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है हेल्प्स इन प्रोटेक्शन सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल। ओके, इतना क्लियर है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट, यस। ठीक है, आगे पढ़े कि नेक्स्ट क्लास में पढ़े? आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़े। पैरामेशियम पढ़ना है हमें, कंटिन्यू करें कि नेक्स्ट क्लास में ले, बोलो फटाफट। कंटिन्यू, ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामेशियम देखते हैं, ठीक है। पैरामेशियम जो है फ्रेश वाटर में मिलते हैं, पॉन्ड्स में मिलते हैं, पूल्स में भी मिलते हैं, डिचेस स्ट्रीम है ना, हर जगह मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पैरामेशियम जो है हर जगह दिख जाएंगे हमें, ठीक है। तो हर जगह मिलते हैं, तो उसे एक टर्म है यूबिक्विटस, हमारे जो पैरामेशियम है वो यूबिक्विटस है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, ओके, प्रेजेंट एवरीवेयर। लोकोमोशन, ओके, किस चीज से करेंगे लोकोमोशन? सीलिया के थ्रू करेंगे, हमारे पैरामेशियम लोकोमोशन किससे करेंगे? सीलिया के थ्रू करेंगे। सीलिया जो है वो फूड कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फूड कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करते हैं हमारे सीलिया। न्यूट्रिशन होलोजोइक है, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है, सेल के अंदर हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। आशुतोष क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा हमारा, सॉरी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन कैसे होगा हमारे? डिफ्यूजन के वजह से होगा, ठीक है, जस्ट लाइक अमीबा, डिफ्यूजन के थ्रू। रिप्रोडक्शन असेक्सुअली भी हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये वाले इसमें, ठीक है, इतना ये हमारा बाइनरी फ्यूजन है। या फिर सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये दोनों एक दो स्ट्रेन्स के हमारे पास पैरामेशियम रहेंगे, वो हमारे एक ज्वाइन हो जाएंगे, एक कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाएंगे और अपना न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, दिस इज कॉन्जुगेशन, ओके ओके, क्लियर? ड्यू कॉपी क्लियर है? हाँ, ओके, अच्छा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो पैरामेशियम है उसका फीडिंग अपैरेटस क्या है, ठीक है। फीडिंग अपैरेटस देखेंगे, नंबर वन सबसे पहला है हमारा ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, ठीक है। हमारा सबसे पहला फूड जो है, फूड हमारे पैरामेशियम में एंटर कहां से करेगा? ओरल ग्रूव से, ठीक है, जो कि काफी वाइड होता है, ठीक है। उसके बाद ओरल ग्रूव से जाएगा हमारे वेस्टिब्यूल्स में, यहीं पे जो हमारे
बक्कल कैविटी, यहाँ पे जो बक्कल कैविटी है उसकी एंट्री जो है उसे हम वेस्टिब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। वेस्टिब्यूल से एंटर करेगा, ठीक है, वेस्टिब्यूल से एंटर करेगा, बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी से वो जाएगा साइटोस्टोम, जो कि हम इसको माउथ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा, यहाँ शॉर्ट सा हमारा एक ये होगा कैविटी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे साइटोफारिंग्स, ठीक है। साइटोस्टोम से जाएगा वो साइटोफारिंग्स में, साइटोफारिंग्स से वो जाएगा एनल पोर में, ठीक है। एनल पोर से एक्चुअली वो पहले तो पूरा हमारे एब्जॉर्ब कर लेगा सेल में, और जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो जाएगा एनल पोर के थ्रू बाहर, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक मिनट। सबसे पहला क्या होगा, ओरल ग्रूव, राइट इट डाउन, उसके बाद हमारा फूड जाएगा वेस्टिब्यूल्स में, जो कि बक्कल कैविटी की ओपनिंग है। कैसी रहेगी, फनल लाइक, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड जो है वो जाएगा बक्कल कैविटी में, बोर्ड से अच्छी हैंडराइटिंग आ रही मेरी है ना इधर, जो कि एस शेप्ड है, उसके बाद है साइटोस्टोम, है ना। उसके बाद बक्कल कैविटी से जाएगा साइटोस्टोम, इसे हम बोलेंगे माउथ, माउथ है हमारा साइटोस्टोम। उसके बाद जाएगा हमारा फूड साइटोफारिंग्स में, शॉर्ट होता है। उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा, एनस में, ठीक है, इज अ टेम्पररी ओपनिंग, इज अ टेम्पररी ओपनिंग। ओके, फिर वहां से जाएगा हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जाएगा आउटसाइड, ओके। फिर ओरल ग्रुप को एक और नाम दे देंगे हम, ओरल ग्रुप को हम बोलेंगे पेरिस्टोम, ठीक है। ओरल ग्रुप को बोलेंगे पेरिस्टोम। उसके बाद एनस जो है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोफाइज या फिर साइटोप्रॉक, नॉट एच, बस थोड़ा सा ही बचा है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ओके। ये पैरामेशियम खत्म कर देते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं पैरामेशियम का, ओके। स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, पेलिकल, है ना, पेलिकल। ये क्या है, हमारा आउटर जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे पेलिकल। सीलिया,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारा सीलिया है, ठीक है। एक एंटीरियर एंड होगा और एक पोस्टीरियर एंड होगा, है ना। हमारे पैरामीशियम का कैसा होगा, एक एंड एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा, ठीक है। दिस इज एंटीरियर एंड, दिस इज पोस्टीरियर एंड, ठीक है। पोस्टीरियर एंड पे थोड़े से जो हमारे सीलिया वो लॉन्गर रहेंगे, ठीक है, और एक बंच के फॉर्म में रहेंगे जिसे हम बोलेंगे कॉडल टफ्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलेंगे कॉडल टफ्ट। फीडिंग अपैरेटस अभी हमने देखा, पेरिस्टोम, ओरल ग्रुप, साइटोस्टोम, माउथ एंड स्पेलिंग गलत हो गया, एंड साइटोफारिंग्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दो प्रेजेंट रहेंगे, दो अलग अलग इस पे, यहाँ पे एक एंटीरियर साइड पे, एक पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। सराउंडेड बाय रेडियल कैनल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे रेडियल कैनल्स है, ठीक है, रेडियल कैनल रहेंगे। इनका काम क्या रहेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, इनका काम रहेगा ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। रेडियल कैनल्स कितने रहेंगे, 5 to 11 आई गेस, 5 to 11 रहेंगे। इनका काम क्या रहेगा, ऑस्मोरेगुलेशन करवाना। फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए, दो टाइप के न्यूक्लियस रहेंगे, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक स्मॉल सा माइक्रो न्यूक्लियस, ये दो टाइप के, सब दिख नहीं रहा है, स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस, यहाँ माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस रहेगा और एक स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। मैक्रो न्यूक्लियस की वजह से क्या होगा, ये जो है ये माइक्रो न्यूक्लियस का काम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहेगा मैक्रो न्यूक्लियस का काम, माइक्रो न्यूक्लियस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज रहेगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, यस नो कुछ बोलो। बेटा माइक्रो न्यूक्लियस है शाम, माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते रहेंगे तब हमारा मैक्रो न्यूक्लियस काम करेगा, और माइक्रो न्यूक्लियस का काम रहेगा हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कॉन्जुगेशन के टाइम पे। ओके ओके शाम, ओके उसके बाद हमारे पास दो टाइप के पैरामेशियम देखने मिले हैं, हमें दो टाइप के पैरामेशियम मिले हैं, ठीक है। एक होता है किलर पैरामेशियम, ठीक है, एक होता है किलर पैरामेशियम, ठीक है। उसमें क्या रहता है, कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किलर पैरामेशियम में, ओके, किलर पैरामेशियम में। इट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड एज पैरामेसिन, ठीक है, पैरामेसिन प्रोड्यूस करते हैं जो कप्पा पार्टिकल्स है, पॉइजनस सब्सटेंस यानी कि पैरामेसिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंसिटिव पैरामेशियम को मार डालते हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स के पैरामेशियम मिले हैं, एक किलर और एक सेंसिटिव। किलर पैरामेशियम में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसिटिव में नहीं होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव में कप्पा पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है।
कप्पा पार्टिकल्स क्या करते हैं, पैरामेसन बनाते हैं, ठीक है, पैरामेसन सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारे सेंसिटिव पैरामेशन को मार भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक ओके, पॉलीफेरा अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है, बाय बाय, संडे एंजॉय करो अपना।